Hello students, welcome to my channel. I am going to explain and solve matrices. Matrix क्या होता है बच्चों? ये very very important topic है. Matrix तो matrix क्या है? तो ये class 10th और 12th level का है. Class 10th में भी है, ICSE में और class 12th में जो बच्चे class 12th में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही बहुत basic चीजें हम information आपको देने जा रहे हैं. Matrix के basic चीजें आपका answer clear करेंगे बच्चों. तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स. एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, जैसे एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अरेंज इन द रो एंड कॉलम, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं. इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? मैट्रिक्सेस बोलते हैं. तो जब कोई भी हम एक सपोज एक कोई चीज ये है, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स हैं, ये हो सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसके अंदर क्या नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, ये नंबर्स हैं. इस नंबर द नंबर, इसके अंदर जो नंबर होते हैं, व्हाट इन नंबर को क्या कहते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आप जानते होंगे इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट. जो इंट्रीज हैं ए बी सी, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. क्लियर बच्चों? अब इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? पहला था, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर यहाँ पर तो क्या कितने रो है? रो ये क्या कहलाते हैं हमारे कॉलम, और ये क्या कहलाते हैं रो. ये कॉलम है, कॉलम ये कॉलम कहलाते हैं, ये कॉलम है हमारा, ये कॉलम है एक दो, और ये क्या कहलाते हैं रोज कहलाते हैं, ये रोज है. तो मैं कितने 1 2 3 रोज है कॉलम, 1 2 3 कॉलम है. वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल होती है दैट इज कॉल, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों? रोज करते हैं. तो रोज कितने हैं? अब 1 2 3 रोज हैं. और वर्टिकल्स कितने हैं? वर्टिकल लाइंस कितनी? 1 2 3 दैट इज कॉल्ड कॉलम्स. क्लियर बच्चों? कोई डाउट? तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता है बच्चों? ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स एक ही है, सिंगुलर फॉर्म है. तो ऑर्डर क्या होता है? नंबर, इसको नंबर रोज रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इसको हम बोलते हैं, ये ऑर्डर है. तो इसको हम लिखते हैं, माना रोज, माना आपका रो है, यहां पर है एम बाय एन बोलते हैं, इसको एम बाय एन बोलते हैं. तो एम बाय एन इसको रीड कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं? एम क्रॉस एन लिखा तो एम बाय एन पढ़ते हैं, एम बाय एन. इससे हमारा ऑर्डर कोई चीज है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, अब इसको लिखेंगे कैसे? मैट्रिक्स ए, इसको ऑर्डर लिखना है. तो मैट्रिक्स ए का, अब सपोज यहां तो 3 है, यहां तो ऑर्डर क्या है बच्चों? 3 3 × 3 है. मैट्रिक्स है माना किसी से, तो मैट्रिक्स को ऐसे ऑर्डर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं 3 × 3 3 × 3 3 × 3 × 3 तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो नंबर, टोटल नंबर, तो इनको प्रोडक्ट कर दोगे 3 × 3 दैट इज कॉल्ड 9. नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स 9 होगी. कोई डाउट इसमें? क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पास है. सबसे पहले आपने यहां पर दो चीज दिखे, एलिमेंट क्या होते हैं, तो इसमें जो एंट्रीज होते हैं या इसमें नंबर होते हैं दैट इज कॉल्ड एलिमेंट कहते हैं. और हमारे पास जो इसको जो मैट्रिक्स, प्लूरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्सेस कहलाते हैं, प्लूरल फॉर्म है. और उसके बाद हम एक सेकंड क्या बताया, और जो वर्टिकल लाइन है दैट इज कॉल्ड कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज नोन एज रोज. अब नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में बता दिया, ऑर्डर हमने समझा दिया, अब हमारे पास है एलिमेंट बता दिए. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप्स होते हैं? पहला होता है हमारे पास रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स. सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स. तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स. थर्ड, फोर्थ कर सकते हैं, फोर्थ हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स. उसके बाद ये क्लास टेंथ के स्टैंडर्ड का आप यहां ज्यादा ध्यान दीजिए. तो उसके बाद नल मैट्रिक्स
ठीक है बच्चों। और फिफ्थ है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिक्स ये आइडेंटिटी आई इसको डायगोनल मैट्रिक्स। सेवन स्केलर मैट्रिक्स। एट से यहां पर एक और है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स। अच्छा अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपका रो मैट्रिक्स क्या है, इस कॉलम मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स क्या है, इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले रो मैट्रिक्स क्या है। रो मैट्रिक्स मींस द मैट्रिक्स व्हिच हैज, ठीक है, हैज ओनली वन रो। द मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मैंने कहा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका केवल एक ही रो होता है, ओनली वन रो। दिस इज हमने मैंने कहा मैट्रिक्स लिखा तो यहां पर टू थ्री कॉमा नहीं होता फोर, पर ये इसमें क्या है एक ही रो है। रो ओनली वन रो है, वन रो। बट कॉलम कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री कॉलम है। कॉलम यहां पर थ्री कॉलम है, वन रो है। कॉलम ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम थ्री कॉलम, यहां पर थ्री भी हो सकते हैं मोर। तो कॉलम मोर देन कॉलम ज्यादा हो सकते हैं बच्चों। रो ओनली वन रो है, सच मैट्रिक्स कॉल्ड रो मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय रो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो, सच मैट्रिक्स नोन एज रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, द कॉलम मैट्रिक्स में देखिए कॉलम मैट्रिक्स सेम ऐसे कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम है कॉलम। ये मैट्रिक्स को ऐसे ब्रैकेट के अंदर हम दिखाते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर टू थ्री फोर, क्या डिफरेंस है, यहां पर ओनली वन रो था और यहां रो कितने हैं, यहां कॉलम एक ही कॉलम है, वर्टिकल लाइन एक ही है, ओनली वन वर्टिकल लाइन है। तो ओनली वन वर्टिकल लाइन बच्चों यहां, तो ऐसे मैट्रिक्स को द मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम लेकिन रो ज्यादा हो सकते हैं। रो यहां पर वन टू थ्री रो है लेकिन कॉलम ओनली वन, सच मैट्रिक्स नॉन है। ऐसे यहां पर कॉलम ओनली वन, कॉलम कितने बच्चों, यहां पर कॉलम कॉलम ओनली वन कॉलम है, वन है, ऐसा मैट्रिक्स नॉन एज कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली। अब हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। हम स्क्वायर मैट्रिक्स में द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स व्हिच हैज सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, द मैट्रिक्स हैव सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, सच मैट्रिक्स नॉन एज स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों। तो मैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां पर क्या टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री वन बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स है। इसमें रो कितने, रो थ्री है, कॉलम भी कितने थ्री है। द मैट्रिक्स हैज द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, सच मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, यहां पर थ्री इंटू थ्री से आपके क्लास स्टैंड के ऊपर थ्री ऑर्डर जो हमारे पास है टू इंटू टू टू बाई टू ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर टू बाई थ्री बाई थ्री बाई थ्री ऑर्डर का है, तो इसको होता है स्क्वायर। नल मैट्रिक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स अब हम बात करेंगे नल मैट्रिक्स, जल्दी जल्दी इसको लिखें। तो नल मैट्रिक्स द मैट्रिक्स हैविंग नो एलिमेंट, ऑल एलिमेंट आर जीरो, एलिमेंट सब जीरो, ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑल जीरो, ऑल जीरो से कंटेन है इसमें, तो नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, दैट इज ऑल मैट्रिक्स के जीरो से, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन तीनों में आपको कंपेयर करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका आइडेंटिटी, डायगोनल और स्केलर, ये लगभग सेम जैसा है लेकिन थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करने में अंतर है, हम आपको समझा रहे हैं अच्छी तरह, आपको इसको नोट करना है। सबसे पहले बच्चों अच्छी तरह इसको नोट करें, फर्स्ट अच्छी तरह सबसे पहले स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको डिनोट करते हैं आई से, नॉर्मली हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आई, जैसे आपका लिखा फाइव आई, इसको फाइव से अभी बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर डायगोनल में वन जीरो जीरो पी एच जीरो वन जीरो 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 वन,
इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल में क्या वन होता है, अदर एक्स अदर ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल में ओनली प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है, ओनली वन होते हैं और एक्स यहां पर, जबकि और अदर एलिमेंट्स सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये हमारा आइडेंटिटी है, केवल प्रिंसिपल डायगोनल वन होता है और अदर एलिमेंट्स सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, ये मैट्रिक्स है तो इसके इसमें भी क्या होते हैं कि ये डायगोनल में मैंने टू है जीरो सॉरी टू जीरो जीरो यहां पर जीरो यहां पर थ्री जीरो 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 माइनस टू, क्या डिफरेंस, ये इसको होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल में लेकिन डिफरेंट एलिमेंट है, दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट आर जीरो पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर नॉट जीरो, सच एलिमेंट क्या कहते हैं इसको हम लोग, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में हम क्या डिफरेंस है, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में आप बच्चों यहां पर क्या करेंगे, तो स्केलर मैट्रिक्स ये ए, तो इसको आप देखें तो स्केलर, तो यहां पर ये हमारा थ्री जीरो 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 यहां पर थ्री जीरो 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 थ्री, क्या आप देख क्या आपने देखा स्केलर मैट्रिक्स में, बताएं क्या कंक्लूजन, स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, ऑल एलिमेंट आर सेम, डायगोनल में ऑल एलिमेंट आर सेम एक्सेप्ट ऑफ वन, नहीं होना चाहिए टू टू ये टू 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 हो सकता है, थ्री 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 हो सकता है, फोर 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 हो सकता है, फाइव फाइव फाइव, बट नॉट वन, वन नहीं होना चाहिए, वन हो जाएगा तो क्या, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और कोई डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और रेक्टेंगल, व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो यहां पर जो रेक्टेंगुलर होते हैं, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो यहां पर जैसे हमारे पास है थ्री फोर फाइव सिक्स वन जीरो थ्री सेवन जीरो वन जीरो फाइव, बच्चों यहां पर क्या है सॉरी यहां पर क्या है, कॉलम रो जा रो बाय कॉलम, रो यहां ज्यादा है कॉलम कम, इस सच टाइप मैट्रिक्स को नंबर रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सच मैट्रिक्स नॉन एज क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और भी होते हैं, अब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, ये तो आप बाद में जब हायर क्लास में जाएंगे तो इलेवन ट्वेल्थ में भी है ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो सोचो तो बच्चों ये तो हमने आपको बता दिया मैट्रिक्स के टाइप्स, और ऐसा है इक्वल मैट्रिक्स, ये हम बताना बोले इक्वल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स मीन्स क्या कहते हैं, दो मैट्रिक्स आपके पास हैं ए ए मान सब आपका टू थ्री वन जीरो टू वन, तो ये मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स है बी, ये हमारा टू थ्री वन जीरो टू वन, इन दोनों को हम इक्वल मैट्रिक्स कर सकते हैं, क्यों, ऑर्डर क्या इसका, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर एंड कॉरस्पोंडिंग द कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट आल्सो इक्वल, इन दोनों के कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट आल्सो इक्वल, सच मैट्रिक्स नॉन एज इक्वल मैट्रिक्स, जिसके ऑर्डर इक्वल और इसके कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट आल्सो इक्वल, सच मैट्रिक्स वी कैन से दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी, इसको कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों, अब इक्वल मैट्रिक्स के बाद हम चलते हैं एडिशन, हम कब मैट्रिक्स को कब एडिशन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कब एडिशन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो मैट्रिक्स ए और बी इनको ऐड करेंगे या ऐड तभी कर सकते हैं जब इनका ऑर्डर क्या हो सेम, माना थ्री इंटू थ्री और थ्री इंटू ऑर्डर सेम होगा तभी दो मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर ऑर्डर सेम होगा तभी इन दोनों को मैट्रिक्स, सबट्रैक्ट भी तभी कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ टू मैट्रिक्स तो ऑर्डर सेम होगा। और इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर और इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसके लिए से मल्टीप्लिकेशन, ये भी हम आपके समझाएंगे इसके बाद हम सोल्व हैं दैट को एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, एडिशन के जो सबट्रैक्शन तो इसी में समझा देंगे ज़्यादा प्रॉपर्टी। अब एक्सरसाइज इसका पहला एक्सरसाइज है इस बुक की हेल्प से कंसाइज मैथड, कंसाइज जो सलीना बुक है इसका एक्सरसाइज शुरू कर दे रहे हैं, एक्सरसाइज नाइन नाइन ए
बच्चों सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप यदि नए हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल ना भूलिए। लाइक करना, बिना लाइक नहीं करेंगे तो मोटिवेशन बढ़ता है और थोड़ा और हम क्वेश्चन को और सॉल्व अच्छी तरह करेंगे। और कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम है, कैसे कोई भी चीज़ ऐसी है प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक किसी चीज़ पर, तो आप उस पर कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स को वीडियो। यस, पहला क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज, ये हमारा पास है एक्सरसाइज 9A। पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्वेश्चन बेस है, क्वेश्चन है पहला का, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स गिव द रीजन, फॉल है तो रीजन देना है। हमारे पास है पहला है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर्स, दो मैट्रिक्स दिए हैं, एक ए मैट्रिक्स इसका ऑर्डर दिया है और इसका ऑर्डर लिखा हुआ है, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको ऑर्डर को 3 × 2, 3/2, और मैट्रिक्स बी इसका ऑर्डर है 2 और 3 रिस्पेक्टिवली, देन दियर सम इज पॉसिबल, नो पॉसिबल क्यों नहीं है ये, क्या दियर सम इज पॉसिबल, तो यह इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑर्डर कितना है 3, इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर, तो इनका सम पॉसिबल नहीं है, व्हाई नॉट इक्वल ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। क्लियर बच्चे समझ में है? यस। और उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में था क्वेश्चन, यहां पर है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैं ए, एक ऑर्डर ए, सेकंड पार्ट ए इसका 2/3 ऑर्डर का है, और दूसरा मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी और 2/3 आर कंफर्मेबल फॉर सेपरेशन। यस, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्यों, व्हाई, बिकॉज सेम ऑर्डर वी कैन, व्हेन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो वी कैन सेपरेट एज वेल एज एडिशन, तो ये सेपरेट कर सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल। यस ये सेकंड है, यस यस ये इसको ट्रू, सो ये ट्रू है, ट्रू और ये क्या फॉल्स, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि यहां पर ऑर्डर सेम। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है बच्चों इसका, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नहीं समझा था मैंने, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, थर्ड क्वेश्चन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मींस रो द इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रो, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है यहां पर कि एक मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर जो है हमारे पास है दिया हुआ, ऑर्डर दिया हुआ है 2 और 3, तो इसमें 2 रो है और कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 तो इसको ये माने 1 और यहां पर लिखते हैं 5 और 6, तो दो रो है कॉलम 1 है, तो इसको ये है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ट्रांसपोज ए डैश हो जाता है, तो कॉलम को ये यहाँ कॉलम को किस में चेंज कर दें, रो में चेंज कर दें, तो यहाँ पर जाएगा ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हो जाएगा 5 और 6। अब किस और आपके ऑर्डर क्या हो गया इसका, व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर इसका ऑर्डर हो गया, देखिए रो एक हो गया रो इंटू कॉलम, कॉलम दो हो गया, कॉलम दो हो गया रो एक हो गया, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज, यस इट इज पॉसिबल, और ये क्या ट्रांसपोज कर दें, सेकंड में ट्रांसपोज ऑफ 2 × 2/1 मैट्रिक्स इनटू 2/1, यस इट इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये ट्रू है, ट्रू ठीक है, फॉल्स हमें फॉल्स और ट्रू फॉल्स बताना है। थर्ड, कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम्स एंड ओनली वन रो, रॉन्ग, मैं अभी बताया था कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स कंसिस्ट ओनली वन कॉलम और मेनी रोज, तो इसको कर नो, तो फिफ्थ फोर्थ पार्ट रॉन्ग है कि कॉलम मैट्रिक्स ओनली कंसिस्ट ओनली वन कॉलम, ये 2, 3, 1 और मेनी रोज हो सकते हैं, रोज यहां दिया, यहां पर रोज कितने बच्चों 1, 2, 3, तो इसको रॉन्ग, तो ये जो पहला ऑप्शन दिया फॉल्स, तो वहां पर जो स्टेटमेंट दिया है दिस गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स बिकॉज कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम एंड देयर आर मेनी रोस। क्लियर बच्चों? यस, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, तो हमारे पास दो मैट्रिक्स, एक गिवन है ये x
और ये y प्लस 2 और यहाँ पर हमारा 3 और ये z z माइनस 1 इक्वल टू, ये इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल है इसका मतलब इक्वल मैट्रिक्स है, ये 3 1 3 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, इसमें x y z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू निकालनी है, x y z निकालेंगे। तो x y z निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहां पर देखिए x y z इक्वल मैट्रिक्स है, दिस इज इक्वल मैट्रिक्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बच्चों। तो x इक्वल टू दैट 3 लिखेंगे, corresponding equal matrix, this is the equal matrix, the corresponding element of both matrix have same element, corresponding elements, तो x equal to यहाँ पर 3 आएगा और y plus 2 equal to 1, this equal to this, तो यहाँ पर इसको इधर लेके आएंगे, y equal to minus 1 हो गया, y की value 1, x की value 3 और z equal to corresponding z minus z, this is z है, z minus 1 equal to 2, तो z इक्वल टू 3, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए बी भी इक्वल होंगे। क्लियर बच्चों, तो कौन इसको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वल मैट्रिक्स था। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है फॉर ए बी एंड सी, इफ फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट बच्चों बहुत अच्छा नोट करते जाइए हमेशा, 4 और 4 है a प्लस 5 सेम 3 और 2, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास है बगल में आपका से बी प्लस 4 और ये 2 और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है सी माइनस 1। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी बच्चों, ए बी सी कैसे निकालेंगे, तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए ये भी इक्वल मैट्रिक्स हैं, हमें सॉल्व करना है, ए बी सी निकालना है, तो यहाँ कंपेयर करेंगे पहले इससे इसको कंपेयर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू बी प्लस 4, इसको इधर ले जाएंगे ट्रांसफर कर देंगे, -4 -4 दिस इज इक्वल टू b, तो b इक्वल टू आ गया -a बच्चों। सेकंड इसको इक्वेट करेंगे, a प्लस 5 इक्वल टू 2, a इक्वल टू यहां पर जाएगा 2 -5, तो a इक्वल टू -3, ये b की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू निकाल इससे कंपेयर करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स है तो c -1 इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू इसको इधर लेके आएंगे -3, चलिए प्लस थ्री, तो ए बी सी की वैल्यू इस प्रकार से आप निकाल देंगे। क्लियर बच्चों, तो ऐसे नेक्स्ट पार्ट आप कर लेंगे, सेकंड इसके नेक्स्ट कॉस्ट पार्ट इसका छोड़ते रहें, आप लोग कर रहे हैं इसको इससे कंपेयर करके निकाल लें। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको दिया गिवन है इफ, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट है, एक पार्ट आप लगा देंगे, सेकेंड पार्ट उसी तरह आप करेंगे, ये चलो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4th में, a इक्वल टू आपको गिवन है 8 और -3, कॉमा नहीं लगाना है, इनके बीच में कॉमा नहीं लगना है, इनके एलिमेंट के बीच में कॉमा नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। एंड बच्चों b इक्वल टू इनके बीच पर भी कॉमा नहीं लगेगा, जो एलिमेंट से है हमारे पास 4 और -5, इनके ध्यान रखना है। तो हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी और बी माइनस ए, ए प्लस बी इन दोनों का एडिशन ऑफ वेक्टर मैट्रिक्स, ए प्लस बी तो मैट्रिक्स ए 8 और -3 प्लस बी यहां पर है 4 और -5, इन दोनों का एडिशन है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या ऐड करें, इसका फर्स्ट इसका भी फर्स्ट, इसको कहते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आएगा 12, इसको ऐड करेंगे -8 बच्चों, ये हो गया a प्लस बी। इसका सेकेंड पार्ट क्या करना है, सेकेंड पार्ट में b माइनस a करना है बच्चों, मैट्रिक्स b, तो यहां पर b कितने -4 और -5 और माइनस a कितना है 8 -3, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये आप इसको ऐसा लिखेंगे 4 -8 पहले इसको लिखेंगे और दूसरा -5 माइनस माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, इतना बड़ा ब्रैकेट ना करें, थोड़ा छोटा लिखें, तो ये हो जाएगा -4 और -2, ये हमारा एक कौन सा मैट्रिक्स निकला बच्चों, ये बी माइनस ए। तो क्लियर बच्चों, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सिंपल है तो आना चाहिए क्वेश्चन नंबर, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन ए
मैट्रिक्स ए गिवन है, ये मैट्रिक्स ए है, केवल कॉलम मैट्रिक्स है बच्चे, 2 5। बी मैट्रिक्स बी जो है इसमें भी कॉलम मैट्रिक्स है, 1 और 4 कॉलम मैट्रिक्स, और सी भी कॉलम मैट्रिक्स है, एंड सी इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स दिया 6 और -2। फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी को बी और सी को ऐड करना है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, पर सिंपल है कॉलम मैट्रिक्स, पहला पार्ट है बी प्लस सी, बी और सी को ऐड करेंगे, बी की वैल्यू 1 और 4 प्लस सी 6 माइनस 2, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे 7 और इसको करेंगे 2, यह है बी प्लस सी। बच्चे ऐसे ही सभी हैं क्वेश्चन इसमें, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस वाले को प्लस करें, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट में बहुत सरल है, तो इसको हम टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप उसको ट्राई करेंगे, बस सिंपली ऐड सजेशन। बच्चों समझ में आ गया होगा, यदि आया लाइक बेल लाइक करना ना भूलिए, आपको बेस्ट। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ये वेदर पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स, हमको सिंगल मैट्रिक्स में बदलना है इसको, लेकिन जब पॉसिबल है, कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जब ऑर्डर इसके सेम होगा तभी इसको एडिशन या सबट्रैक्शन कर सकते हैं, आपको पता है, यदि ऑर्डर सेम होगा तभी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं या सबट्रैक्शन कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, कुछ पॉसिबल में कुछ क्वेश्चन में कुछ पार्ट में पॉसिबल नहीं, जैसे पहला इसका पहला पार्ट है, आपको दिया गया सिंपली 1 2 3 और 4 प्लस सेकेंड पार्ट है इसका, इसको सिंगल में चेंज करना, -1 -2 1 -7, इसको सिंगल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे सिंगल में चेंज करने के लिए, सिंगल में चेंज करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो ये और जीरो हो जाएगा बच्चों, इन दोनों में भी शुरू करेंगे जीरो हो जाएगा, ये और ये प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, ये दोनों को करेंगे तो -3, ये सिंगल में ये पॉसिबल था, क्यों, क्योंकि ऑर्डर सेम था, ऑर्डर सेम होते हैं तो मैट्रिक्स पॉसिबल। अब इसका जो इम्पॉसिबल है, एक इसका थर्ड पार्ट है, इम्पॉसिबल है, क्यों इम्पॉसिबल, देखिए यहां पर ये इसका एडिशन संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है, 1 0 1 2 4 6 7 प्लस क्या मैं यहां पर प्लस 3 6 3 4 6 8, इन दोनों का ऑर्डर, इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर होगा बच्चों 2 2 बाय 3, इसका ऑर्डर है 2 बाय 2, तो इसलिए पॉसिबल ऑर्डर सेम नहीं, तो ये क्या यहाँ पर एडिशन पॉसिबल नहीं है, दो वेक्टर तभी ऐड ना, दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। यस बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 आपके क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इसमें फाइंड एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, x और y की वैल्यू निकालनी, इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट बच्चों यहां पर दिया हुआ क्वेश्चन, यहां पर 5 2 -1 y -1 एक ये बी थ्री माइनस आपको गिवन है 1 x -1 2 और यहां पर है -3 इक्वल टू गिवन है 4 7 -3 और 2, इसको सॉल्व करके एक्स और वाई एक्स की वैल्यू निकाल एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ले बच्चों, देखो तो देखिए अच्छे तरह नोट करें, इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें क्या लेफ्ट हैंड साइड, इसको सिंगल फॉर्म में सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस करना है 5 -1 ये 1 ही भाई, जब माइनस लगाए माइनस सबट्रैक्शन करना है, सबट्रैक्शन और मैट्रिक्स करना है 4 आएगा, और ये माइनस ये तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये लिखेंगे प्लस, ये आ जाएगा आपका 3 3 - x हो जाएगा, फिर दिस माइनस दिस करोगे तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ भी -3 है सेम, देखिए ये माइनस ये करोगे तो ये प्लस जाएगा, तो वाई प्लस माइनस माइनस प्लस जाएगा तो प्लस 3 बोलोगे जिसमें ये आ जाएगा 2। बच्चों अब है इक्वल मैट्रिक्स है तो ये आएगा 4 ये 7 3 -3 और 2 ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, देखिए यहाँ 4 आ रहा है 4 है ये 3 का 3
लेकिन ये और सेम, तो इसको निकालने हैं, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर माइनस थ्री, सॉरी थ्री माइनस एक्स इक्वल टू सेवन, सेवन को ले जाएंगे तो माइनस फोर इक्वल टू माइनस, ये प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आएगा माइनस फोर, वाई में निकालेंगे वाई प्लस टू इक्वल टू टू, तो वाई इक्वल टू इसको टू इधर ले जाएंगे जीरो। बच्चों यहाँ पर ये हमारा ऐसे ही सेकेंड पार्ट तो आपको करना है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ निकालनी है, ठीक, तो एक्स की वैल्यू आ रही माइनस फोर, वाई की वैल्यू जीरो। ये था क्वेश्चन नंबर सेवन का फर्स्ट पार्ट, ऐसे सेकेंड पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट भी आप ऐसे करेंगे बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड आप क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में बच्चों एम एक मैट्रिक्स दिया, एम मैट्रिक्स दिया है मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर एट में एम इक्वल टू आपको गिवन है फाइव माइनस थ्री माइनस टू और यहां पर दिया फोर, एम गिवन है, तो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ एम डैस, फाइंड इट्स ट्रांसपोज ऑफ एम डैस निकालना है, इट इज पॉसिबल फाइंड यदि पॉसिबल है तो एम और एम प्लस वन निकालना है और एम डैस माइनस, तो दोनों चीजें निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो एम डैस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एन, ये डैश लगा देते हैं तो या टी लगा देते हैं, ट्रांसपोज में टी होता है, तो इसको ये कॉलम ये रो को कॉलम में चेंज करना, इंटरचेंज रो इनटू कॉलम, तो ये तो यहां पर क्या ये फाइव हो जाएगा, यहां पर माइनस थ्री, ये माइनस टू और फोर, इंटरचेंज कर देंगे यहां पर रो को कॉलम को, रो में रो को कॉलम में, इसी को कहते हैं ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ क्या हो गया एम। अब पॉसिबल है यस एम प्लस एम डैश पॉसिबल है क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या टू इन टू बाई टू, इसका ऑर्डर भी टू बाई टू है, इट इज पॉसिबल टू एड पॉसिबल, तो इसको ऐड करें एम क्या है एम इक्वल टू यहां पर है फाइव माइनस थ्री माइनस टू और फोर और प्लस एम डैश कितना है फाइव माइनस टू माइनस थ्री और फोर। ओके बच्चों इसको इसको ऐड करेंगे कितना आएगा फाइव प्लस फाइव टेन माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव और माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव और यहां पर क्या होगा दिस माइनस फोर प्लस फोर एट, तो ये हो क्या एम प्लस एम डैश। क्लियर बच्चों, तो यहां पर कोई डाउट है तो क्लियर, कोई डाउट है तो क्लियर है ना। अब है क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट में क्या माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर नाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर नाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या निकालना है एडिटिव इनवर्स निकालना है। यस क्वेश्चन नंबर बच्चों नाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया मैंने, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी, इनका एडिटिव इनवर्स निकाल, एडिटिव इनवर्स मींस एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मीन निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, कोई निगेटिव जो होता है तो उसको आप दोनों को ऐड करें, जैसे हमने कहा नंबर में होता है एडिटिव इनवर्स ऑफ टू, तो टू या मल्टीप्लिकेशन एडिशन में होता है तो टू का एडिशन में होता है टू का क्या हो जाता है टू का माइनस टू हो जाता है, इन दोनों को ऐड करेंगे जीरो एडिशन। वैसे यहाँ पर भी मैट्रिक्स में भी क्या होता है तो एडिटिव मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पर ए गिवन है तो ए ए गिवन है तो ए की वैल्यू आपके पास है कितना बच्चे यहाँ पर मैट्रिक्स सिक्स सॉरी सिक्स कॉमन ही लगाते हैं याद रखना और माइनस फाइव इसका ए है ये बी गिवन है बी आपको गिवन है टू माइनस टू जीरो फोर माइनस वन और सी में सी गिवन है माइनस सेवन और फोर इनका एडिटिव इनवर्स निकाल। एडिटिव इनवर्स क्या होता है एडिटिव इनवर्स का मींस होता है कि ए का एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ई नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ई ए का नेगेटिव तो इसका एडिटिव इसको लिखोगे एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ई ऑफ ई ये होगा माइनस ई माइनस कर देंगे इसको इन दोनों को ऐड करेंगे इसका नल मैट्रिक्स आएगा तो इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया माइनस कर दें ए माइनस ए इसके आगे माइनस लगा देंगे ये सिक्स और माइनस फाइव ये एडिटिव इनवर्स ऑफ ए हो गया।
तो यहां पर इसको अंदर लिखेंगे, दोनों इसको अंदर लिखेंगे तो ये लिखेंगे माइनस सिक्स प्लस फाइव, और इन दोनों को ऐड करोगे रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। क्लियर, क्लियर हो गया। अब ऐसे इसको बी का क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी, ऑफ बी, इसको लिखेंगे माइनस बी, इसका माइनस कर दो तो बी की वैल्यू आपका यहां आए तो माइनस भाग लें तो माइनस टू जीरो फोर माइनस वन, तो क्या हो, इसे माइनस से सबको इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में टू जीरो माइनस फोर जीरो सॉरी वन, ये एडिटिव इनवर्स ऑफ बी हो गया। इसको इसको ऐड करेंगे तो नल मैट्रिक्स मिलेगा। सी का क्या होगा, यहां प्लस आएगा यहां पर माइनस आएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ सी माइनस सी, एडिटिव इनवर्स ऑफ सी मीन माइनस सी। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये एडिटिव इनवर्स है। अब हमें फाइंड आउट करना है ये क्वेश्चन नंबर 10, यस क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करें। हां बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में एक हमें गिवन है मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, मैट्रिक्स सी गिवन है, हमें फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स, एक्स मैट्रिक्स एक्स निकालना है, मैट्रिक्स एक्स निकालने, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए कंडीशन दिया है हमें, पहला कंडीशन है, पहला पार्ट है, पहला पार्ट है एक्स प्लस बी इक्वल टू सी माइनस ए, हमें मैट्रिक्स एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स एक्स, कैसे निकालेंगे एक्स निकालने के लिए बच्चों, यहां पर चलो एक्स निकाल के देखें, तो सबसे पहले डायरेक्ट इसको ट्रांसपोज कर, बी को पहले यहां ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी। क्लियर बच्चों, सी की, अब सी की वैल्यू क्या है ये लिखेंगे, सी की वैल्यू क्या है माइनस वन फोर, ए क्या है, ये ए है टू और माइनस थ्री, बी कितना है जीरो और टू। अब इसमें पहले क्या करेंगे, पहले इसको माइनस माइनस को सॉल्व कर दें तो या एक ही साथ कर, इनको इसका कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट है एक साथ लिख सकते हो, जैसे यहां पर आप क्या लिख सकते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस जीरो, दूसरी में फोर माइनस थ्री और माइनस टू, माइनस थ्री प्लस हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस टू और यह माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया माइनस थ्री और इसको सॉल्व करेंगे तो सेवन और इसमें फाइव, तो ये मैट्रिक्स एक्स निकल गया। ऐसे सेकंड पार्ट भी आप करेंगे, थर्ड पार्ट भी ऐसे करना है इसमें, ठीक है, इसमें दो पार्ट दिए हुए, सेकंड पार्ट आप ऐसे कर सकते हैं, सेकंड पार्ट में भी एक्स निकालना है, ठीक है, और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको इलेवन भी है बच्चों, ठीक है, ट्राई करेंगे इलेवन भी आप ऐसे लगाएंगे, तो क्वेश्चन नहीं आता तो आप मैं उसको कोशिश करेंगे, आपको कमेंट कर दीजिए, लगभग आपको सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यस, तो कोई डाउट इसमें तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें, आप इसमें शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।